तो हेलो एवरीवन गाइस, ये है फेकर अलॉयस के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो गाइस आगे यहाँ पर देखेंगे कि इस शेयर के रिज़ल्ट्स यहाँ पर कैसे आए हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो अराउंड यहाँ पर 9,869.53 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में डिक्रीज़ होकर 982.52 लाख यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर जो है शेयर की क्वार्टरली बेसिस में इनकम डिक्रीज़ हुई है। और एक्सपेंस देखते हैं तो वो ईयरली बेसिस में 10,305 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 482.86 लाख यहाँ पर हो गया है। यानी इनकम के साथ साथ यहाँ पर शेयर के एक्सपेंस भी डिक्रीज हुए हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी प्रॉफिट्स की, तो वो ईयरली बेसिस में 891.62 लाख है, ब्रैकेट में है यानी लॉस में है। और अब जो है यहाँ पर 615.87 लाख हो गया है, यानी कि प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। और अर्निंग पर शेयर 0.46 पैसे, ब्रैकेट में है यानी लॉस में है। अब जो है 0.32 पैसे हो गया, यानी कि प्रॉफिट्स और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर सही रहे हैं। और बात करते हैं प्राइस लेवल की, तो 7 रुपये जो है इस मंथ तक का मैक्सिमम टारगेट रहने वाला है। होल्ड करके रखना चाहे तो आप इस शेयर को यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वार्टर तक के प्रस्पेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं। तब तक मैक्सिमम टारगेट 8 रुपये के राउंड तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो होल्ड करके रखना चाहे तो अपने ओन रिस्क में लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से या नेक्स्ट क्वार्टर तक के प्रस्पेक्टिव से भी होल्ड कर सकते हैं।